मैथ्स क्लास वी विल लर्न अबाउट दिस साइंस। ये हमारे पास कुछ साइंस है बेटा, आज हम इनको लर्न करेंगे कि ये साइन जो है वो कहाँ पे यूज होते हैं और इन साइन के नाम क्या है। क्लियर? ये देखिए, ये हमारे पास इस तरीके का साइन है। ये हमारा होता है स्मॉलर का, ये हमारा ग्रेटर का, और ये हमारा इक्वल का। क्लियर? अभी तक आप स्मॉलर और ग्रेटर नंबर सीख चुके हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करना है और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फाइंड करना हो, उसी के आगे का ये कंसेप्ट है जिसे हमें क्लियर करना है। क्लियर? तो आज हमारे पास क्वेश्चन है पुट द साइन, यानी कि आपको साइन लगाना है इसका, इसका या इसका, यानी कि स्मॉलर का, ग्रेटर का या इक्वल का। इसके लिए आपको बेटा सिंपल सा फंडा, एक सोचने वाली बात यह है कि अगर हम इसे इजीएस्ट वे से करें तो ये इजीएस्ट वे क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्रोकोडाइल है। ओके, क्रोकोडाइल्स क्या होते हैं, खाते हैं ना कुछ चीजें, आपका इस तरीके से ऐसे मुंह खुलता है उनका। ओके, तो जो बड़ी चीज होगी, यानी कि अगर हम बात करें कि सी में बड़ी चीज, बड़ी फिश है, उसे क्रोकोडाइल को खाना है, तो वो छोटी को खाएगा या बड़ी को खाएगा। तो क्रोकोडाइल है वो बड़ी फिश को खाएगा, तो जहां वो बड़ी फिश की तरफ जाएगा उसका मुंह खुला हो। ये देखिए, यहां ये मुंह इसका खुला है, यहां यहां से इसका मुंह यहां से खुला। समझ आई बात? आपको सिंपल सा क्लियर ये रखना है कि जो नंबर हमारा दो नंबर्स में से बड़ा होगा उसकी साइड मुंह खुला होगा, यानी कि वो उस क्रोकोडाइल के लिए बड़ी फिश है जिसे उसे वो खाना है। क्लियर? होप आपको ये समझ में आया है कि हमें किस जगह पर किस तरीके से साइन को यूज करना है। मैंने आपको लास्ट बताया था जब हम स्मॉलर और ग्रेटर का कंसेप्ट क्लियर कर रहे थे कि दो नंबर को कंपेयर करने के लिए कि हमें ये जानना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो आज हमारे पास वही टॉपिक है बेटा। दो नंबर्स दिए हुए हैं हमारे पास, गिवन है टू नंबर्स, उन टू नंबर्स को कंपेयर करना है कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा ग्रेटेस्ट है। जो नंबर बड़ा है यानी कि वो फिश बड़ी है और उसके आगे क्रोकोडाइल का मुंह खुला। ठीक है, ये इस तरीके से ये हो गया आपका। ये देखिए, यहां से क्रोकोडाइल का मुंह खुला है और इसके लिए यहां से, क्या मतलब कि ये हमारे पास फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर। अगर यहां से फर्स्ट नंबर हमारा छोटा है और सेकंड नंबर हमारा बड़ा है तो क्रोकोडाइल का मुंह उस तरफ से खुल जाएगा क्योंकि उसको बड़ी फिश को खाना है। अगर हमारा फर्स्ट नंबर बड़ा है और सेकंड नंबर छोटा है तो फर्स्ट नंबर के लिए क्रोकोडाइल का मुंह खुल जाएगा क्योंकि फर्स्ट नंबर बड़ा है, उसको क्रोकोडाइल फर्स्ट बड़ी वाली फिश खानी है। क्लियर? तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर्स को हमें कंपेयर करना है और उसके बाद हमें ये साइन पुट करना है। ये साइन लगाना बहुत ईजी है, आप ध्यान से देखिए। हमें इस तरीके से स्लैंट लाइन ड्रॉ करनी है, इसी स्लैंट लाइन को आगे ड्रॉ करनी है, एक और स्लैंट लाइन ज्वाइंट करते हुए हमें ये ड्रॉ करनी है। ये हमारा सिंबल बन जाता है, ये हमारा साइन बन जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है या कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। मैंने आपको सिंपल फंडा बताया था कि आप टेंस की वैल्यू को लेके कंपेयर कर सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू जो हमारी टेंस की जो हुई हम उसको कंपेयर करते हैं, तो जो टेंस की वैल्यू बड़ी होगी यानी कि ग्रेटर होगी वो नंबर हमारा ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दी हुई है, 5 और 7 में क्या हुआ ग्रेटर, 7। तो 72 जो हुआ वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हुआ यानी कि बड़ी फिश होगी। तो बड़ी फिश के लिए आगे हमारा क्रोकोडाइल का मुंह जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यानी कि ये साइन हमारा पुट हो गया कि ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है, इस ग्रेटेस्ट नंबर के आगे क्रोकोडाइल का माउथ ओपन हो गया और ये इस फिश को खाएगा। सिंपल, क्लियर है? होप आपको ये समझ में आ गया कि इसको किस तरीके से हमें करना है। सेकंड हमारे पास है देखो 12 और 8। क्लियर है? सबसे पहले ये 2 डिजिट का नंबर है, ये 1 डिजिट का नंबर है, तो ये स्मॉलेस्ट है और ये ग्रेटेस्ट है। तो जो ग्रेटेस्ट हो गया उसके आगे मुंह खुल जाएगा, तो मुंह खोलने के लिए हमें क्या साइन लगाना है, ये समझ आ गया। यहाँ पे ये सेकंड नंबर पड़ा था, हमने इसके आगे मुंह खोल दिया, ये वाला साइन लग गया। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पड़ा है तो हमने ये साइन लगाया, इसकी साइड मुंह खोल दी और अपने आप ही दूसरे की साइड जो है वो मुंह बंद हो जाएगा। हो गया ना, यहाँ पे मुंह बंद देखो इसका और यहाँ पे इसका, ये डिफॉल्ट में जाएगा। ये नंबर स्मॉल है तो इसके आगे इसका मुंह बंद हो गया, ये नंबर ग्रेटर है इसके आगे इसका मुंह ओपन हो गया, यहाँ ये नंबर ग्रेटर है इसका माउथ ओपन हो गया, यहाँ नंबर ये स्मॉल है इसके आगे मुंह बंद हो गया। क्लियर? होप आपको ये समझ में आ गया कि ये साइंस किस तरीके से लगाने हैं। और ये आप तभी क्लियर कर पाएंगे जब आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 19 एंड
39, हम 19 और 39 को कंपेयर करेंगे, टेंस की वैल्यूज को लेकर कंपेयर करेंगे। यहाँ टेंस की वैल्यू 1 है, यहाँ टेंस की वैल्यू 3 है, तो हम 1 और 3 को कंपेयर करते हैं, तो 3 जो है वो ग्रेटर हो गया, तो जो नंबर ग्रेटर है उसके आगे हम प्रॉपर टेंस का फॉर्म ओपन कर लेंगे, इसका फॉर्म यहाँ पे ओपन हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये नंबर है हमारे पास 46 और ये नंबर है हमारे पास 46। ये भी 46 है, ये भी 46 है, यानी कि ये दोनों नंबर जो है वो सेम है। जो नंबर सेम होते हैं उनके आगे हम ये साइन लगाते हैं, इसे इक्वल का साइन कहते हैं, यानी कि ये बराबर है, इसको कोई कोई नहीं खाएगा, ना ये इसको खा सकता है, ना ये इसको खा सकता है, ना ये इससे छोटा है, ना ये इससे बड़ा है, तो जो कोई ना छोटा है ना बड़ा है तो वो क्या हो गया, कोई नहीं खा सकता उसको। क्लियर? तो हम इसके आगे ये दो स्लीपिंग लाइन का सिंबल जो है वो लगा देते हैं, इसे इक्वल साइन बोलते हैं, यानी कि बराबर, ये और ये दोनों बराबर है, तो बराबर की लड़ाई में कोई नहीं हम करते ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास 96 और 94 में अगर हम टेंस की वैल्यू को कंपेयर करें तो सेम है, टेंस की ये भी 9 है, टेंस की ये भी 9 है, तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, वंस की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। मैंने आपको बताया था जहां टेंस की वैल्यू सेम होती है वहां हम वंस की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। यहाँ वंस की वैल्यू 6 है, यहाँ वंस की वैल्यू 4 है, तो यानी 6 जो है वो 4 से ग्रेटर हो गया, तो यानी कि ये 6 जो है वो 4 से ग्रेटर हो गया, तो 96 जो है वो 94 से ग्रेटर हो गया, तो ग्रेटर होने के लिए इसके आगे क्रोकोडाइल का मुंह खुल जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास 8 and 28, सिंपल, ये 1 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन 1 डिजिट नंबर, तो इसलिए हम ये क्या साइन लगा देंगे, ये वाला कि 28 ग्रेटर है, उसके आगे हमने माउथ ओपन कर। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास 12 and 22, दो नंबर्स हैं, वन फर्स्ट 12, सेकंड 22, इसके लिए भी हम टेंस की वैल्यू को कंपेयर करेंगे, यहाँ टेंस की वैल्यू 1 है, यहाँ टेंस की वैल्यू 2 है, तो 1 जो है वो 2 से पहले आता है, यानी कि ये स्मॉलेस्ट हो गया, और 2 जो है 1 के बाद आता है, तो ये ग्रेटेस्ट हो गया, तो 22 इज द ग्रेटेस्ट नंबर देन 12, तो हम क्या करेंगे इसके आगे मुंह खोल देंगे, तो ये हमारा ग्रेटर का साइन इसके आगे लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 30 और 50, ये है 30 और ये है 50, 50 जो है वो 30 से ग्रेटर होता है, यानी कि 50 नंबर 30 नंबर से बड़ा होता है, तो क्योंकि ये बड़ा है तो क्रोकोडाइल इसको खाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 46 और 29, इसमें भी हम टेंस की वैल्यू को कंपेयर करेंगे, 46 4 बड़ा है या 2 बड़ा है, 4 बाद में आता है 2 के, तो जो नंबर बाद में आता है वो नंबर बड़ा हो जाता है, तो इसके आगे हम माउथ ओपन। क्लियर? नेक्स्ट है 18 और 56, यानी कि 1 और 5, 1 और 5 में ग्रेटर क्या हुआ, 5, और स्मॉलेस्ट क्या हुआ, 1, तो जो ग्रेटर हुआ उसके आगे माउंट ओपन, और जो स्मॉलेस्ट हुआ उसके आगे माउंट बंद।